सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मात्र 10th पास या फिर 12th पास अगर आपने कर रखी है तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ 10th पास की है या फिर सिर्फ आपने 12th पास की है और अगर साथ ही अभी आप पास आउट हुए हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना ही नहीं 18,000 से 69,000 तक की सैलरी प्रोवाइड करने वाली सरकारी नौकरी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम पर, जहाँ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ मैं भारत के अलग अलग राज्यों से नई सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ सरकारी संस्थानों में भर्ती की जो प्रक्रिया मानो थम सी गई थी, लेकिन अनलॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ तो जिंदगी मानो पटरी पर धीरे धीरे उतरने लगी। और डाक विभाग आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्रोवाइड की है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ 10th पास की है और 12th पास की है और आपका सपना है सरकारी नौकरी में करियर बनाने का, तो उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उन युवा साथियों के लिए डाक विभाग रिक्रूटमेंट 2020 की भर्ती आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है गाइस, वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 12 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो वो है 10 नवंबर 2020। अब बात करेंगे कि इसमें पोस्ट क्या दी गई है। तो डाक विभाग ने पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथ ही अब आप जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही इस नौकरी का प्लस पॉइंट बताया था, यानी कि अगर सिर्फ आपने 10th पास कर रखी है और या साथ ही आपने 12th पास की हैं, तो मैं बता देती हूँ मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। बात करें अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो अगर आपने सिर्फ 10th पास भी कर रखी है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अब आप जानने चाहेंगे कि आपकी इसमें आयु क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए आपकी जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम की अगर हम बात करें तो 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो आपकी आयु 18 से 25 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसका एक प्लस पॉइंट, आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, गाइस सब अब हम बात करेंगे सैलरी की, जो कि इस नौकरी की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ख़ास बात है आप लोगों के लिए कि इसमें आपको 18,000 से 69,000 तक की सैलरी प्रोवाइड हो रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोस्टमैन और मेल गार्ड की, तो इसमें आपको 21,700 से लेकर आपको सैलरी प्रोवाइड हो रही है 69,100 तक। जी हाँ फ्रेंड, 69,100 तक आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड हो रही है। बात करें अगर मल्टीटास्किंग की, तो आपको इसमें दी जा रही है सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक। ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अपनी जो भी आस पड़ोसी हैं उनको भी बताइए, ताकि उनके लिए भी ये बहुत बड़ी हेल्प हो। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को, जहाँ पर आपको मिलती है नई सरकारी नौकरियों की लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन, वो भी सबसे पहले और सबसे आसानी से। गाइस, मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, एक और नई सरकारी भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।